गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे पेंट और कोटिंग की कुछ विशेष प्रॉपर्टी। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रॉपर्टीज है। ये तीनों प्रॉपर्टी जो आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, इसमें एक कोटिंग की पानी के प्रति आदान प्रदान की क्या क्षमता है, अर्थात कितने पानी को परमीबल कर देती है। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रॉपर्टी होती है, स्पेशली इसको कोरोजन वगैरह के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा ध्यान देते हैं। और दूसरा इसका वॉल्यूम सॉलिड्स होता है, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण प्रॉपर्टी। हम लोगों ने वेट सॉलिड्स तो पढ़ा हुआ है, लेकिन वॉल्यूम सॉलिड्स नहीं पढ़ा हुआ है। वॉल्यूम सॉलिड्स वेट सॉलिड्स से ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि अगर किसी कोटिंग की थिकनेस क्या होगी, ये वॉल्यूम सॉलिड्स से आपको पता चलेगा, वेट सॉलिड्स से नहीं पता चल पाता है। किसी एरिया को इतनी थिकनेस की कोटिंग लगाने के लिए कितने पेंट की जरूरत पड़ेगी, ये हमें वॉल्यूम सॉलिड से पता चलता है। तो इस प्रकार वॉल्यूम सॉलिड्स आज हम डिस्कस करेंगे, बहुत महत्वपूर्ण प्रॉपर्टी होती है। और उसके बाद से स्प्रेडिंग रेट, अर्थात एक लीटर पेंट इतने थिकनेस कोटिंग के लिए कितनी एरिया को कवर करेगा, ये कैसे वॉल्यूम सॉलिड्स के साथ इसका रिलेशन है। तो ये तीन प्रॉपर्टी आज हम लोग ये डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंतर्गत। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं वाटर वेपर परमेबिलिटी के बारे में। वाटर वेपर परमिबिलिटी क्या होती है? द रेट एट विच मॉइस्चर और वाटर वेपर पासेस थ्रू द फिल्म ऑफ पेंट और कोटिंग। ये केवल पेंट एंड कोटिंग के ही लिए नहीं है, वैसे अन्य पदार्थों के लिए भी है। जैसे आप प्लास्टिक की फिल्म से भी पानी कितना निकल जाता है, ये भी आप यहाँ पर डिस्कस कर सकते हैं। केवल पानी ही नहीं, ये कोई भी मटेरियल जिसका आदान प्रदान हो सकता है, आप उसमें उसको टेस्ट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हम लोग विशेष करके डिस्कस करेंगे वाटर, क्योंकि हमारी जो कोटिंग होती है विशेष करके मॉइस्चर के एटमॉस्फेयर में ही उसका ज़्यादातर पानी का आदान प्रदान होता है, इसलिए हम लोग मॉइस्चर के रिस्पेक्ट में इसको डिस्कस करेंगे और पेंट और कोटिंग को ही खाली डिस्कस करेंगे। इसमें देखिए दो मेथड हम लोग लेते हैं, एक कप फिल्ड विथ वाटर, एक के अंदर एक कप लेते हैं और उसको पानी से भर दिया, ठीक। उस पर फिर हम लोग ये देखते हैं कि उस कप से कितना पानी उड़ा, फिल्म लगा देते हैं, फिल्म से कितना पानी निकला। तो ये डिपेंड करता है लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द कप। दूसरे मेथड में क्या करते हैं, कप के अंदर हम लोग कोई डेसिकेंट डाल देते हैं। डेसिकेंट क्या होते हैं? डेसिकेंट कुछ हाइग्रोस्कोपिक मटेरियल होते हैं, जैसे कि कैल्शियम क्लोराइड, एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड की हाइग्रोस्कोपिक होता है। तो डेसिकेंट क्या करता है, डेसिकेंट डालने के बाद से जब फिल्म लगा देते हैं तो डेसिकेंट बाहर से मॉइस्चर को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करता है, ठीक है। तो उस तरीके से इंक्रीज इन वेट, कप का जो वेट होता है वो बढ़ जाता है। ये दो फिलॉसफी है जिसके ऊपर यहाँ पर हम लोग परमिबिलिटी टेस्ट करेंगे। इसके अंदर क्या रहता है, इन कप मेथड में वेपर परमिबिलिटी इज बेस्ड ऑन अ सिंपल प्रिंसिपल ऑफ प्रेशर डिफरेंस। दोनों ही मेथड में प्रेशर डिफरेंस क्या है, अर्थात कप के अंदर जब डेसिकेंट डाल देते हैं तो वहां पर मॉइस्चर का प्रेशर कम होता है, बाहर प्रेशर जाता है तो नीचे की तरफ खींचता है अंदर साइड। दूसरे में जिसमें हम लोग पानी रखते हैं तो पानी का प्रेशर फिल्म के नीचे अर्थात कप में ज्यादा हो जाता है, तो इस प्रकार वो पानी को बाहर साइड में ढकेलने की कोशिश करता है या उड़ाता है या जाता है पानी। और टेम्परेचर और रिलेटिव ह्यूमिडिटी हम लोग मेंटेन करते हैं, ये दोनों ही के केस में करीब करीब एक ही तरीके की होती है। केवल रिलेटिव ह्यूमिडिटी थोड़ा सा अंतर कर जाती है, क्योंकि डेसिकेंट के केस में कप के अंदर ह्यूमिडिटी कम होती है, कप के बाहर ज्यादा होती है, और वाटर के केस में कप के अंदर ह्यूमिडिटी ज्यादा होती है, कप के बाहर कम होती है। बाकी की कंडीशन इस तरीके की है, टेम्परेचर हमारा ये रहता है, ह्यूमिडिटी को हम लोग कोशिश करते हैं 50% के आसपास मेंटेन करने के लिए। इसका द लॉस आर गेन ऑफ वाटर, रेट ऑफ वाटर वेपर मूवमेंट थ्रू द फिल्म, हम लोग ये हमारा सिद्धांत होता है बेसिकली। वाटर वेपर ट्रांसमिशन इसको हम लोग मैथमेटिकली कैसे प्रेजेंट करते हैं, ग्राम ऑफ वाटर गेन्ड आर लॉस्ट पर 24 आवर्स पर मीटर स्क्वायर ऑफ सरफेस एरिया, जिससे कि वो निकलता है। जिसे नीचे एक्सप्लेन किया हुआ है, डेसिकेंट मेथड में हम लोग क्या करते हैं, टेस्ट स्पेसिमेन, ये टेस्ट स्पेसिमेन है आपका। टेस्ट स्पेसिमेन का मतलब वो फिल्म हो गई, वो कोटिंग हो गई, जिससे जिसका कि हम लोग टेस्ट कर रहे हैं। ये एक ओपन माउथ कप है, इस कप के ऊपर इसको सील्ड कर देते हैं, इसको लगा देते हैं, ठीक है। इसके अंदर डेसिकेंट रख देते हैं, उसके बाद इसके थोड़े समय बाद फिर जब एटमॉस्फेयर हमारा पूरा उस तरीके से मेंटेन कर लेते हैं तो थोड़े समय बाद हम लोग इसको
कप सहित डेसिकेंट को वे करना चालू कर देते हैं। पहले शुरू में हम लोग वे कर लेते हैं डेसिकेंट रखने के तुरंत बाद, सील करने के बाद। उसके बाद से देखते चले जाते हैं थोड़े थोड़े समय बाद, 2 घंटे बाद, 4 घंटे बाद, 6 घंटे बाद, 8 घंटे बाद, 24 घंटे बाद, कि उसका वेट कितना बढ़ गया। तो इस प्रकार से हम एक इसको ग्राफिकली डायग्राम बना सकते हैं कि 2 घंटे बाद इसका ये वेट हो गया, इतना वेट के डिफरेंस से हम लोग पानी इतना इसमें आ गया, 4 घंटे बाद इतना पानी आ गया, 6 घंटे बाद इतनी इतना मॉइस्चर दे लिया। इस तरीके से हम लोग इसको एक ग्राफिकली इसको प्रेजेंट कर सकते हैं या हम लोग ये डाटा को नोट कर सकते हैं। वाटर मेथड में हम लोग क्या करते हैं, इसमें भी इसमें सीमेंट को सील तो कर देते हैं, लेकिन कप के अंदर हम लोग वाटर को रख लेते हैं। ये वाटर है यहाँ पर, इसके पहले वाले में देखिए ये डेसिकेंट है यहाँ पर, इसमें हम लोग पानी को यहाँ रख लेते हैं और यहाँ पर पानी निकल रहा है, बाहर जा रहा है, और इसके अंदर क्या करते हैं, पानी अंदर आ रहा है डेसिकेंट में। ये दोनों थोड़ा सा अंतर हो जाता है। कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट यहाँ रहता है, डिस्टिल वाटर हम लोग ले लेते हैं, कप या डिस हमारा ये हो गया, ये सीट हो गई या जो टेस्ट स्पेसिमेन होता है वो ये हो जाता है, और ये पेरिफेरी होती है जो कि सील हम लोग कर देते हैं, कप के कार्नर को उस फिल्म के साथ हम लोग सील कर देते हैं ताकि वहाँ से कोई लीकेज ना हो, नहीं तो मॉइस्चर वगैरह आपका फिल्म से जाने के बजाय वहीं से निकल सकता है। अब इसका प्रोसेस देखिए क्या होता है टेस्ट प्रोसीजर में। दोनों ही केस में वेपर प्रेशर डिफरेंस इज नॉर्मली द सेम इन बोथ द मेथड एक्सेप्ट इन द वेरिएशन विद एक्सट्रीम्स ऑफ ह्यूमिडिटी ऑन अपोजिट साइड। ठीक, अपोजिट साइड में ह्यूमिडिटी जो होती है वो अलग होती है, जैसे जिसमें पानी अंदर रखा रहता है कप में तो पानी साइड में ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है, और जिसमें डेसिकेंट होता है उसमें बाहर साइड में ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है। बस ये थोड़ा सा अंतर होता है जिसकी वजह से प्रेशर डेवलप होता है, और उसी प्रेशर से मॉइस्चर का या वाटर का जो है परमिएशन होता है। जैसा हमने आपको बताया दिस मेथड इज नॉट ओनली अप्लीकेबल फॉर पेंट्स एंड कोटिंग, दिस इज ऑल्सो अप्लीकेबल फॉर प्लास्टिक पेपर फाइबर, इन सबों के लिए अप्लीकेबल हो जाता है। टेस्ट मेथड में हम लोग क्या करते हैं, इसके 3 बेसिक एलिमेंट होते हैं, 3 पार्ट होते हैं टेस्ट डिश। एक तो डिश हम लोग लेते हैं, ये सावधानी से हमें लेना पड़ेगा, ये जुडिशियसली जज करना पड़ेगा, और एनवायरनमेंट जैसा हमारे पास है, और तीसरा हमारे पास हो जाता है वेइंग अप्लायंस, ये भी बहुत एक्यूरेट होना चाहिए, वेइंग बैलेंस हमारे पास होना चाहिए। टेस्ट डिश में हम लोग क्या करते हैं, नॉन कोरोडिंग मटेरियल की बनी हुई ये डिश होनी चाहिए, कप होना चाहिए, आमतौर पर हम लोग एल्युमिनियम जो है वो ले लेते हैं इसके लिए, और जो ये इम्परमिएबल होना चाहिए वाटर के लिए, वाटर वेपर के लिए, ये इम्परमिएबिलिटी हमारी फिल्म होगी, लेकिन जो कप होगा वो कम इम्परमिएबल होना चाहिए। ये किसी भी शेप में हो सकता है, अगर ये शैलो हो, थोड़ी सी गहरी हो तो ज़्यादा अच्छा रहता है, जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है 3x4 इंच इन डेप्थ, करीब करीब हो, जितना खुला हुआ पोर्शन है उसका 3x4 इंच डेप्थ में हो तो ये अच्छा रहता है जज करने में। स्पेसिमेन को कैसे प्रिपेयर करते हैं, एक फिल्म हम लोग तैयार कर लेते हैं जिस पेंट का हम लोग देखना होता है, उस पेंट को एक बहुत स्मूथ सरफेस पर हम लोग लगा देते हैं पर्टिकुलर थिकनेस के लिए। सपोज करिए 50 माइक्रॉन की फिल्म का आपको देखना है तो 50 माइक्रॉन की एक कोटिंग लगा दिया, बहुत ही स्मूथ सरफेस है जिस पर से आसानी से उसको बाद में हम लोग निकाल लेते हैं उस फिल्म को। फिल्म को निकालने के बाद से उस कप के ऊपर जो है उसको लगा करके उसको सील कर देते हैं, तो वैक्स से सील कर देते हैं या किसी गास्केट वगैरह से सील कर देते हैं। तो जो कप के ऊपर जितना पोर्शन कप के सर्किल में आता है या रेक्टेंगुलर अगर कप है तो रेक्टेंगल में आता है वो उसकी एरिया हो जाती है। सील करने के बाद से फिर इसका समय समय पर हम लोग वजन करते रहते हैं पूरे कप सहित, और कप का वजन कम होना या ज़्यादा होना यह डिपेंड करेगा, अगर उसके अंदर डेसिकेंट है तो कप का वजन बढ़ता चला जाएगा, अगर उसके अंदर वाटर है तो कप का वजन कम होता चला जाएगा। ये दोनों ही से हम लोग इस फार्मूले में रख करके हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं कि उस फिल्म का वाटर वेपर ट्रांसमिशन क्या है। तो हमने जैसे आप से डिस्कस किया कि वाटर वेपर ट्रांसमिशन किसी भी फिल्म का, किसी भी पेंट फिल्म का, किसी भी कोटिंग का, ये डिपेंड करेगा कि वो पेंट या वो कोटिंग किस मटेरियल की बनी हुई है, अर्थात एल्किल रेजिन की बनी है, पॉलीयुरेथेन की बनी हुई है, विटामिन की बनी है, इपॉक्सी की बनी है, उसमें मटेरियल क्या है, उसमें बाइंडर क्या है, नंबर वन। नंबर टू, ये इस पर भी डिपेंड करेगा कि उसमें पिगमेंट का लेवल क्या है, पिगमेंट 1% है,
2% है, 10% है, 20% है, तो ये इस पर भी डिपेंड करेगा। तीसरा ये डिपेंड करेगा कि वो फिल्म की थिकनेस क्या है। जैसे जैसे थिक होती चली जाएगी फिल्म के अंदर वाटर परमिएशन जो है कम होता चला जाता है। तो इस प्रकार जब भी हमें कोरोजन रेजिस्टेंस कहीं कोटी लगानी होती है तो न केवल उसके फार्मुलेशन के ऊपर ध्यान देते हैं बल्कि हम लोग कोटिंग के थिकनेस पर भी देखते हैं। वहाँ पर कोटिंग की थिकनेस बहुत ज़्यादा होती है। घरों के अंदर जो कोटिंग 50 या 60 माइक्रॉन होती है वही कभी कभी प्लांट पर या कोरोजन के केस में ये कोटिंग आपकी 1000-2000 माइक्रॉन तक चली जाती है, अर्थात 10-20 टाइम्स आपकी ये बढ़ सकती है घर की कोटिंग की थिकनेस से बाहर की। अब यहाँ पर एक हमने सवाल यह पूछा हुआ है कि 0.02 ग्राम लॉस होता है कप में 4 दिन के अंदर पानी का, 5 सेंटीमीटर उस कप का वाइड डाया है, तो इसका वाटर वेपर ट्रांसमिशन क्या होगा ये कैलकुलेट करना है। इस प्रकार से वाटर वेपर ट्रांसमिशन हम लोग कैलकुलेट करते हैं। इसके बाद से नेक्स्ट हमारा जो टेस्ट है वॉल्यूम सॉलिड्स एंड स्प्रेडिंग रेट। वॉल्यूम सॉलिड्स पहले देखते हैं, ये दोनों ही थोड़ा सा एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है इसलिए हम लोग इसको एक साथ पढ़ रहे हैं, बल्कि स्प्रेडिंग रेट वॉल्यूम सॉलिड्स पर डिपेंडेंट है, वॉल्यूम सॉलिड जो है वो स्प्रेडिंग रेट पर डिपेंडेंट नहीं है। वॉल्यूम सॉलिड्स क्या होता है इसको पहले ध्यान से समझिएगा। मास सॉलिड तो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि हम लोग वेट ले लेते हैं पहले किसी भी पेंट का और पेंट को वजन करने के बाद से उसको किसी डिस्क पर रख करके उसको ड्राई करते हैं, ड्राई करने के बाद से हम वजन कर लेते हैं। तो जो ड्राई कोटिंग का जो वजन होता है, ड्राई मटेरियल का जो वजन होता है उसको जो शुरू में मटेरियल लिया हुआ है उसके वेट से जब डिवाइड कर देते हैं और 100 से गुणा कर देते हैं तो ये परसेंट नॉन वोलेटाइल हमारा आ जाता है। लेकिन परसेंट वॉल्यूम सॉलिड्स कैसे निकालेंगे, क्योंकि जो हमारा पेंट होता है वो एक होमोजीनियस सिस्टम नहीं होता है। पेंट के अंदर पिगमेंट भी होता है, सॉल्वेंट्स भी होते हैं, एडिटिव्स भी होते हैं। पिगमेंट की स्पेसिफिक ग्रेविटी अलग होती है, रेजिन की अलग होती है, सॉल्वेंट की अलग होती है, एडिटिव्स की अलग होती है। अब यहाँ पर वॉल्यूम सॉलिड्स का मतलब ये हुआ कि जब हम लोग कोई कोटिंग कर देते हैं कोटिंग से हमारा सॉल्वेंट उड़ जाता है, उड़ने के बाद से जो कोटिंग हमारा बच जाती है उस कोटिंग का वॉल्यूम क्या है ये हमें निकालना होता है। सपोज करिए कि एक पर्टिकुलर एरिया के ऊपर आपने 20 माइक्रॉन कि एक कोटिंग आपने लगाई, लगाने के बाद से जब वो सूख जाएगी, सूखने के बाद से हो सकता है कि उसका DFT ड्राई फिल्म थिकनेस 10 माइक्रॉन हो गई हो या 15 माइक्रॉन हो गई हो या 20 माइक्रॉन हो। अगर 100% सॉलिड होगा तो 20 माइक्रॉन होगी, अर्थात अगर उसमें कोई सॉल्वेंट नहीं होगा तो 20 माइक्रॉन की कोटिंग जो आपने वेट अवस्था में रखी हुई है वही 20 माइक्रॉन की आपकी ड्राई होने के बाद से भी रहेगी क्योंकि उसके अंदर कोई सॉल्वेंट नहीं है। तो इस प्रकार वो 20 माइक्रॉन की कोटिंग की थिकनेस हो गई और जितनी एरिया पर आपने लगाया हुआ तो उस एरिया को जब हम लोग उस थिकनेस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये उसका वॉल्यूम आ जाएगा। वॉल्यूम से सबसे बड़ा एडवांटेज आपको ये होता है कि ये पता चलता है कि आप इस थिकनेस के लिए कितना पेंट खरीदेंगे, क्योंकि पेंट हमेशा लीटर में बेचा जाता है, तो कितना लीटर पेंट आप खरीदेंगे इस थिकनेस को इतनी एरिया पर लगाने के लिए, यही आपका स्प्रेडिंग रेट हो जाता है। और ये आपको ड्राई फिल्म थिकनेस आपको रखनी है। सपोज करिए कि आपको एक 50 माइक्रॉन की ड्राई फिल्म थिकनेस चाहिए, किसी कंज्यूमर ने बोला कि हमें 50 माइक्रॉन की ड्राई फिल्म थिकनेस चाहिए। अब अगर आपको पता है कि ये पेंट 50% सॉलिड का है तो आप उसकी वेट फिल्म थिकनेस 100 माइक्रॉन रखेंगे ताकि सूखने के बाद से उसका 50 माइक्रॉन आपको मिल जाए। तो इस लिहाजे से ये, क्योंकि ड्राई होने के बाद से अगर आपने उसको नापा बाय चांस कम हो गया या ज़्यादा हो गया तो दोबारा पेंट लगाने में आपको दिक्कत महसूस होगी। तो इससे तो अच्छा यही है कि हम वेट अवस्था में ये जान लें कि कितनी कोटिंग हम लगाएं ताकि जो रिक्वायर्ड ड्राई फिल्म थिकनेस है वो हमें मिल जाए, ये तभी आपको पता चलेगा जबकि आपको वॉल्यूम सॉलिड्स का पता हो। तो ये महत्वपूर्ण जो प्रॉपर्टी है वो इसमें आज हम लोग थोड़ा सा इस पर डिस्कशन करेंगे। जैसे परसेंट वॉल्यूम सॉलिड्स क्या होता है, ड्राई फिल्म थिकनेस डिवाइडेड बाय वेट फिल्म थिकनेस, एरिया को कांस्टेंट अगर कर लें तो ड्राई फिल्म थिकनेस डिवाइडेड बाय वेट फिल्म थिकनेस गुणे 100, तो ये आपका परसेंट वॉल्यूम सॉलिड हो जाता है। उदाहरण के तौर पर अगर एक कोटिंग आपको वेट फिल्म थिकनेस 80 माइक्रॉन की है, उसकी वेट फिल्म थिकनेस आप तुरंत लगाते ही नाप सकते हैं, और अगर उसके अंदर वॉल्यूम सॉलिड 50% है तो वो आपको 40 माइक्रॉन की ड्राई फिल्म थिकनेस देगी,
या दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि अगर सूखने के बाद से अगर आपने फिल्म की थिकनेस नाप लिया और उस फिल्म की थिकनेस 40 आ गई, तो इसका मतलब ये होगा कि उसके अंदर 50% वॉल्यूम सॉलिड्स है। अगर ये 80 आती तो इसको आप 100% मान लेते कि 80 माइक्रॉन की फिल्म लगाई थी और सूखने पर भी 80 माइक्रॉन दे रही है, अर्थात इसमें 100% सॉलिड है। अब ये रिलेशनशिप बिटवीन स्प्रेडिंग रेट एंड वॉल्यूम सॉलिड, इसको हम लोग थोड़ा सा देखते हैं। ये वेट फिल्म थिकनेस ड्राई फिल्म थिकनेस इंटू 100 अपॉन परसेंट वॉल्यूम, इससे आपकी वेट फिल्म थिकनेस निकल जाती है और स्प्रेडिंग रेट आपका निकलता है। स्प्रेडिंग रेट कहते हैं कि 1 लीटर पेंट कितनी स्क्वायर एरिया को आपका कवर किया, ये डिपेंड करेगा परसेंट वॉल्यूम सॉलिड्स पर भी। जैसे जैसे वॉल्यूम सॉलिड्स बढ़ता चला जाता है, एरिया कवर उसी 1 लीटर पेंट से बढ़ती चली जाती है। तो अर्थात अगर पेंट में कम से कम सॉल्वेंट होगा तो वो ज़्यादा से ज़्यादा एरिया कवर करेगी, अगर DFT को हम लोग कांस्टेंट रखें तो। तो हमारा जो स्प्रेडिंग रेट है ये डिपेंड करेगा, जैसे जैसे मोटाई हम बढ़ता है बढ़ाते चले जाएंगे, वैसे वैसे स्प्रेडिंग रेट कम होता चला जाएगा, अर्थात एरिया कवर कम होता चला जाएगा। जैसे जैसे वॉल्यूम बढ़ाते चले जाएंगे वैसे वैसे एरिया आपका बढ़ता चला जाएगा। तो इस प्रकार स्प्रेडिंग रेट और वॉल्यूम सॉलिड का ये आपस में रिलेशंस होता है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर दिया हुआ, सपोज करिए कि घर के अंदर आपको 60 माइक्रॉन की ड्राई फिल्म थिकनेस की एक कोटिंग चाहिए। अब इसका वॉल्यूम सॉलिड्स आपका अगर 70% है जो आपने पेंट खरीदा है, अगर पेंट का वॉल्यूम सॉलिड 70% है तो आपको जो ड्राई फिल्म थिकनेस है वो 85.71 माइक्रॉन का रखना पड़ेगा। यहाँ ध्यान दीजिएगा, क्योंकि 60 माइक्रॉन तो सूखने के बाद से आपको पता चलेगा। तो शुरू में सपोज करिए कि आपने 100 माइक्रॉन लगा लिया, तो वो 60 की बजाय 70 हो सकता है, 80 हो सकता है, तो खामखा पेंट का आपको लॉस हो गया। आपको लगाना 60 माइक्रॉन का है ड्राई फिल्म थिकनेस, तो वेट फिल्म थिकनेस आप उसी हिसाब से लगाइए जिससे कि आपको 60 माइक्रॉन मिल जाए। तो ये कैसे पता चलेगा वेट फिल्म थिकनेस, ये पता चलेगा आपको वॉल्यूम सॉलिड से। तो यहाँ पर हमने आपको बताया कि अगर आपको वॉल्यूम सॉलिड किसी पेंट का पता है और ड्राई फिल्म थिकनेस आप इतना रखना चाहते हैं, तो वेट फिल्म थिकनेस जो आप कोटिंग लगाएंगे उस कोटिंग को शुरू में ही नाप लीजिए कि वो 85.71 माइक्रॉन का, अर्थात 85-86 माइक्रॉन के आसपास की कोटिंग लगे, जिसके कि आपकी पतली भी फिल्म ना हो 60 से और 60 से मोटी भी ना हो, एक्यूरेटली 60 के आसपास आपकी आ जाए। टू अचीव दिस वेट फिल्म द स्प्रेडिंग रेट, स्प्रेडिंग रेट को देखिए कैसे यहाँ पर कैलकुलेट किया, इसी के लिए स्प्रेडिंग रेट हो गया परसेंट वॉल्यूम सॉलिड इंटू 10 अपॉन DFT रिक्वायर्ड, अर्थात 1 लीटर पेंट 60 माइक्रॉन के ड्राई फिल्म थिकनेस के लिए 12 स्क्वायर मीटर के आसपास की एरिया कवर करेगा, अर्थात 11.66 मीटर स्क्वायर या 12 मीटर स्क्वायर या 11 मीटर स्क्वायर के आसपास की एरिया कवर करेगा 1 लीटर पेंट। तो अब अगर कोई सप्लायर है, आपको वेट तो वो ज़्यादा दे सकता है पेंट का, जैसे प्राइमर का वेट बहुत ज़्यादा होता है, वेट जो है वो पिगमेंट से बढ़ता है, पिगमेंट के वेट को डाल करके वेट दे सकता है, लेकिन वॉल्यूम सॉलिड अगर वो दे तो दैट इज मोर बेनिफिशियल फॉर यू। जितना ज्यादा से ज्यादा वॉल्यूम सॉलिड देगा आपके लिए वो पेंट उतना ही सस्ता पड़ेगा, क्योंकि वो 1 लीटर पेंट में उतनी ज्यादा से ज्यादा एरिया कवर आपकी कर लेगा। अभी कन्वर्टिंग थियोरेटिकल टू प्रैक्टिकल स्प्रेडिंग रेट, ये देखिए ये हम लोगों ने थियोरेटिकल बात किया कि वो इतनी एरिया कवर करेगा, लेकिन इनफैक्ट ये केवल एक फैक्टर नहीं है जिस पर कि स्प्रेडिंग रेट डिपेंड करता है, बहुत सारे फैक्टर होते हैं, जैसे कि सरफेस आपका स्मूथ है या रफ है। उदाहरण के तौर पर शीशे की सरफेस के ऊपर पेंट लगाना हो, मेटल के सरफेस पर पेंट लगाना हो और दीवारों पर पेंट लगाना हो, इन तीनों जगह पेंट में अंतर हो जाएगा। शीशे की सरफेस इतनी स्मूथ होती है कि उस पर जो कोटिंग आप जितनी थिकनेस लगाएंगे आपको उतनी ही मिल जाएगी, जितनी चाहते हैं आपको मिल जाएगी। मेटल के ऊपर थोड़ा बहुत प्लस माइनस हो सकता है क्योंकि मेटल के में हल्के से छिद्र हो सकते हैं, लेकिन दीवालों के ऊपर निश्चित रूप से उसकी वो थिकनेस आपको नहीं मिल पाएगी, दीवार काफी कुछ पेंट मटेरियल को अपने पोर्स में एब्जॉर्ब कर लेगी। इसी प्रकार ये डिपेंड करेगा डिप्रेशन की स्मूथनेस के ऊपर, डिप्रेशन पोरोसिटी के ऊपर, फिल्म लगाने के ऊपर भी कि आपने कहीं ऐसा तो नहीं कि कहीं पर फिल्म आपकी मोटी लग गई कहीं पतली लग गई, और कभी कभी ऐसा होता है कि वेस्टेज भी होता है, जैसे डब्बे में कुछ पेंट आपका बच गया, कुछ ब्रश के द्वारा चला गया, आज आपने 5 लीटर का डब्बा खोला
2 लीटर शाम तक कंज्यूम किया, ब्रश को धो दिया, दूसरे दिन आए तो फिर आपने 2 लीटर कंज्यूम कर दिया, फिर ब्रश को धो दिया। इस प्रकार से ब्रश के ऊपर जितनी बार धोएंगे उतनी बार पेंट का नुकसान होगा, पेंटर के स्किल के ऊपर भी डिपेंड करेगा। तो इस प्रकार ये जो फैक्टर हैं ये हमारे थियोरेटिकल स्प्रेडिंग रेट को अफेक्ट करते हैं। तो इसके लिए हम लोगों ने क्या किया हुआ है, ये मान करके चलते हैं कि अगर किसी ब्रश से आप ब्रश या रोलर से कोई कोटिंग करते हैं तो जो आपका स्प्रेडिंग रेट एक्चुअल थियोरेटिकल है उसमें आप 10 से 15% आप कम कर दीजिए, क्योंकि इतना आपका नुकसान होना ही होना है। इसी प्रकार एयरलेस स्प्रे में 10 से 15% आप रिड्यूस कर दीजिए, तब आप उसके वो वैल्यू कैलकुलेट करिए। और अगर कन्वेंशनल स्प्रे जो आमतौर पर हम लोग स्प्रे करते हैं अगर उस स्प्रे में जाते हैं तो उसमें तो बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, करीब 40 से 50% आपको थियोरेटिकल जो स्प्रेडिंग रेट है उसमें आपको कम करके इसको काउंट करना पड़ेगा, तब आपकी सही फिल्म थिकनेस आपको आएगी, सही एरिया आपको आएगी। फिल्म थिकनेस तो आपको मिल सकती है लेकिन जितनी आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 1 लीटर पेंट में इतनी एरिया कवर करेगा उतना वो नहीं करेगा, क्योंकि लॉसेज ज़्यादा है उसमें। अब सवाल ये उठता है कि हम लोग वॉल्यूम सॉलिड को कैलकुलेट कैसे करें, ये इतनी आसानी से नहीं कैलकुलेट होता है जिस प्रकार हमने वेट सॉलिड को कैलकुलेट कर लिया था कि पहले गीले पेंट का वजन किया, फिर सुखाने के बाद से वजन किया, फिर दोनों के डिफरेंस से आपको पता चल जाता था। लेकिन यहाँ पर हम लोग ऐसे नहीं कर पाएंगे। यहाँ पर देखिए इसके प्रोसेस में क्या करते हैं, एक हम लोग स्टेनलेस स्टील की एक डिस्क लेते हैं 60 मिलीमीटर डाया की रहती है और उसमें इसकी थिकनेस जो होती है 0.7 mm थिक होती है, दिस इज एज पर IS स्पेसिफिकेशन। और उसमें फिर हम लोग उसके एज से किनारे से 2 या 3 मिलीमीटर अंदर साइड में एक छोटा सा छिद्र होता है जिसमें कि हम लोग एक फाइन वायर जो है वो उसमें अटैच कर देते हैं, क्योंकि इस वायर से ही हम लोग हैंग करते हैं तो ये वायर जो है लगा रहता है और ये वायर क्रोमेल का बना रहता है। क्रोमेल एक एलॉय है, ये क्रोमियम और निकल का, जिसमें निकल करीब 90% होता है और क्रोमियम 10% होता है, ये अटैच रहता है उस होल के जिसके मार्फत हम लोग सस्पेंड करते हैं। उसके बाद से उस डिस्क को आप ड्राई कर लीजिए, जरूरत पड़े तो ओवन में ड्राई करके आप इसको डेसिकेटर वगैरह में इसको सुखा लीजिए। सुखाने के बाद से इसका वजन कर लीजिए, वजन करने के बाद से इसको आप पानी में सस्पेंड कर लीजिए और फिर आप इसका वजन ले लीजिए। समझ के लिए पानी में W2 है और एयर में W1 है। इस वॉल्यूम, इस डिस्क का वॉल्यूम आपको निकल जाएगा, दिस इज W1 - W2 अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। जी हम लोग जानते हैं आर्किमिडीज के सिद्धांत के ऊपर कि जितना वाटर में, वाटर के अंदर जिसका वजन जो कम होता है वो अपने वॉल्यूम के बराबर जो है उस पानी को डिस्प्लेस करता है। तो इससे हमें इस फिलॉसफी से ये पता चल जाएगा कि हमारा इसका वॉल्यूम क्या हो उस डिस्क का। अब हम लोग जो पेंट का हम लोग देखना चाहते हैं उस पेंट का नॉन वोलेटाइल कंटेंट जो है हम लोग निकाल लेते हैं। इसका यूजुअल प्रोसेस जो होता है वो हम सभी लोगों को पता है। नॉन वोलेटाइल में पेंट को एक डिस्क लेते हैं, पहले उस पेट्री डिस्क टाइप की होती है, उसमें हम लोग पेंट वजन कर लेते हैं, उसमें पेंट को लिया, पेंट के साथ वजन कर लिया, फिर उसे ड्राई किया, ड्राई करने के बाद से वजन कर लिया, तो इससे पता चल जाता है कि इतने वेट पेंट में इतना है इसमें कितना होगा, तो वो नॉन वोलेटाइल हम लोग इस मेथड से पता कर लेते हैं। ये हमारा काफ़ी रेगुलर प्रोसेस है वैसे देखने का। अब इस प्रोसेस के अंदर हम लोग फिर क्या करते हैं, स्पेसिफिक ग्रेविटी हम लोग उस मटेरियल की, उस पेंट की स्पेसिफिक ग्रेविटी कैसे देखते हैं, जिसको कि हम लोग वेट पर लीटर कप के द्वारा देखते हैं, जिसको वेट पर 10 लीटर भी कहते हैं या वेट पर लीटर भी कहते हैं, ये हम लोग उसका देख लेते हैं। इसके लिए एक कप होता है, उस कप का वॉल्यूम होता है, उस वॉल्यूम में ये हमने अपनी पहले वाली यूट्यूब में डिस्कशन किया हुआ है, इसको पहले वीडियो जो पेंट टेक्नोलॉजी पर है उसमें डिस्कस किया हुआ है इसको। तो ये हम लोग वहाँ से हम लोग वेट पर लीटर इसका निकाल लेते हैं। उसके बाद से क्या करते हैं, उस डिस्क को जो मटेरियल के अंदर डिप करते हैं, 10 मिनट के लिए डिप करते हैं, डिप करने के बाद से फिर उसको निकालते हैं। जब निकालते हैं तो पहले शुरू में जो एक्सेस मटेरियल होगा वो उस डब्बे में ड्रेन ऑफ होगा, तो उसे ड्रेन ऑफ हो जाने दीजिए। उसके बाद से उसके एज के ऊपर हो सकता है कि एज के ऊपर थोड़ा सा मटेरियल जो है टपक करके लगा हुआ रह जाए, तो उसको फिर हम लोग ब्लॉटिंग पेपर से उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं ताकि वो आधी अवस्था में ना रहे, वो एकदम यूनिफॉर्म टाइप का हो जाए। उसके बाद से इस डिस्क को हम लोग 3 घंटे के लिए 105 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर ड्राई करते हैं। ड्राई करने के बाद से फिर कूल कर लेते हैं। कूल करने के बाद से फिर इसका एयर में हम लोग वजन ले लेते हैं, फिर इसको पानी में सस्पेंड करके इसका वजन लेते हैं।
तो इस प्रकार से जो वॉल्यूम, जो कोटिंग उस डिस्क के ऊपर आ गई है, उसका वॉल्यूम हम लोग इस मेथड से निकाल लेते हैं। जो इस मेथड से हम लोग डिस्क का वॉल्यूम निकाले थे, इसी प्रकार से अब ये कोटेड डिस्क का हम लोग वॉल्यूम निकाल लेते हैं। तो अगर इस वाले वॉल्यूम से डिस्क के वॉल्यूम को अगर माइनस कर देंगे तो हमारे इस ड्राई फिल्म का वॉल्यूम आ जाएगा। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो ड्राइड कोटिंग है इसका वॉल्यूम हमारा आ जाएगा। अब वॉल्यूम ऑफ वेट कोटिंग हम लोग कैसे निकालेंगे? हम लोगों ने पहले W निकाला हुआ और P निकाला हुआ है। W इज द नॉन वोलेटाइल मैटर जो हमने निकाला हुआ है, और P द डेंसिटी निकाला था उस मटेरियल की, पेंट की, पेंट की ही नॉन वोलेटाइल मैटर निकाला था। तो इस प्रोसेस से, इस मेथड से हम लोग वेट कोटिंग मटेरियल का वॉल्यूम निकाल लेते हैं। ये देखिए W3 थ्री माइनस W1 अपॉन W, दिस इज इन फैक्ट वेट ऑफ द वेट कोटिंग ऑन द डिस्क। ये वेट कोटिंग का डिस्क के ऊपर वेट है। अब वेट कोटिंग को वॉल्यूम निकालने के लिए हम लोग पी से डिवाइड कर देते हैं इसको। तो इस प्रकार से वेट कोटिंग का वॉल्यूम, ड्राई कोटिंग का वॉल्यूम आ गया, वेट कोटिंग का वॉल्यूम आ गया। तो हम लोग इसे परसेंटेज निकाल लेते हैं कि वॉल्यूम ऑफ द ड्राई कोटिंग डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ द वेट कोटिंग मल्टीप्लाइड बाई 100 विल गिव यू द परसेंट वॉल्यूम सॉलिड्स ऑफ द पेंट। ये एक महत्वपूर्ण प्रॉपर्टी है। अब देखिए इसका हम लोग इस्तेमाल एक ग्राफिकल वे में, एक टेबल फॉर्म में हम लोग कैसे करते हैं। इसमें करते हैं वेट फिल्म थिकनेस। हम लोग सपोज करिए कि आपको एक ड्राई फिल्म थिकनेस चाहिए 20 माइक्रोन की, ठीक। अब कोई पेंट है, उस पेंट का 10 है वॉल्यूम सॉलिड। तो 20 माइक्रोन की DFT प्राप्त करने के लिए आपको वेट फिल्म थिकनेस 200 माइक्रोन की लेनी पड़ेगी। ये 10% वॉल्यूम के साथ है। जब यही बढ़ता चला जाता है, सपोज करिए ये 50% अगर वॉल्यूम हो गया, तो 20 माइक्रोन की ड्राई फिल्म थिकनेस के लिए मात्र 40 माइक्रोन की आपको वेट फिल्म थिकनेस लगानी पड़ेगी। शुरू में पेंट की, जैसे पेंट लगाएं, वेट फिल्म थिकनेस देख लेंगे 40 माइक्रोन की है और 50% वॉल्यूम सॉलिड अगर उस पेंट का है, तो ये आपको 20 माइक्रोन की ड्राई फिल्म थिकनेस दे देगा। तो इससे, इस टेबल से आपको ये पता चल जाता है कि अगर आप वॉल्यूम सॉलिड जानते हैं और आपको ये पता है कि आप ड्राई फिल्म थिकनेस कितनी चाहते हैं, तो आप उसी हिसाब से वेट फिल्म थिकनेस लगाइए, वेट पेंट को लगाइए उतना मोटा शुरू में, जिससे कि आपको ड्राई होने के बाद से फिल्म की थिकनेस, आपको ड्राई फिल्म थिकनेस आपको उतनी मिल जाए। अब ये स्प्रेडिंग रेट है। स्प्रेडिंग रेट में देखिए ये दिखला रहा है कि सपोज करिए 20 माइक्रोन की एक कोटिंग आपको चाहिए, एक वॉल्यूम सॉलिड 20 है उसका, वॉल्यूम सॉलिड किसी पेंट का 20 है और आपको थिकनेस 20 चाहिए, तो आपका जो स्प्रेडिंग रेट होगा उस पेंट का, जिसका कि 20 वॉल्यूम सॉलिड है, 10 स्क्वायर मीटर, ये 1 लीटर पेंट जो है 10 स्क्वायर मीटर कवर करेगा, ठीक है, 20 है। ड्राई फिल्म थिकनेस अगर आपको 25 चाहिए, तो ये स्प्रेडिंग रेट 1 लीटर पेंट जो है आपको 12.5 एरिया आपका, मीटर स्क्वायर एरिया आपका देगा। वॉल्यूम सॉलिड अगर 25 है, तो ड्राई फिल्म थिकनेस 20 है और वॉल्यूम सॉलिड अगर उस पेंट का 25 है, तो 1 लीटर पेंट इतनी एरिया देगा। इसी प्रकार जैसे जैसे वॉल्यूम सॉलिड बढ़ता चला जाएगा, वैसे वैसे उसी थिकनेस के लिए ये स्प्रेडिंग रेट बढ़ता चला जाएगा। तो हमारा पेंट 20 वॉल्यूम सॉलिड का खरीदने की बजाय ऐसा पेंट हम लोग लें जिसका कि 50 वॉल्यूम सॉलिड हो। तो यहाँ पर जो मैन्युफैक्चरर है वो यहाँ पर थोड़ा सा उनको ध्यान रखने की ये बात है कि जिस समय हम लोग पेंट लें तो हमें अच्छे वॉल्यूम सॉलिड का पेंट मिले, अच्छे वेट का पेंट मिले, ये नहीं अच्छे वॉल्यूम सॉलिड का मिले। वेट तो वो किसी भी पिगमेंट के द्वारा वो डाल करके बढ़ा सकता है, हमारा पर्पज होना चाहिए वॉल्यूम सॉलिड उसका ज़्यादा से ज़्यादा। जैसे जैसे वॉल्यूम सॉलिड आपका बढ़ता चला जाएगा, इसी थिकनेस के लिए, ड्राई फिल्म थिकनेस, इसी थिकनेस के लिए हमारी एरिया बढ़ती चली जाएगी। जैसे कि अगर 100% वॉल्यूम सॉलिड किसी के पेंट का है, तो ये आपका 1 लीटर पेंट 50 स्क्वायर मीटर की एरिया कवर कर देगा आपका 20 माइक्रॉन के थिकनेस के लिए। और वहीं पर अगर किसी पेंट की वॉल्यूम सॉलिड मात्र 20 है, तो मात्र 10 स्क्वायर मीटर एरिया कवर करेगा। तो ये वॉल्यूम सॉलिड का महत्व हो जाता है। यहाँ पर हमने जैसे आपको जिक्र किया कि आप, हम लोगों को थोड़ा सा थिन करना पड़ता है जब हम लोग पेंट बाजार से खरीद कर लाते हैं, तो थोड़ा सा थिन करते हैं।
अगर हमें शुरू में वॉल्यूम सारी पता है और अगर हम कैलकुलेटेड अमाउंट उसमें थिनर डालते हैं तो हम यहाँ पर ये पता कर सकते हैं कि अब उसका वॉल्यूम सॉलिड कितना हो गया। जैसे ओरिजिनल वॉल्यूम सॉलिड मान लीजिए किसी पेंट का 15 है, ठीक है, आपने केवल 5% थिनर डाला उसमें, तो अब इसका वॉल्यूम सॉलिड 14 हो गया, और 10% अगर थिनर डाला तो 13.6 हो गया, 15 डाला तो 13 हो गया। इस प्रकार से वॉल्यूम सॉलिड कम होता चला जाएगा जैसे जैसे थिनर आप बढ़ाते चले जाएंगे। तो ये एक टेबल हमने दिया हुआ है कि जिस समय पेंट हम लोग लेकर के आते हैं उस समय उसके बाद से जो है हम लोग उसको पतला करते हैं तो हमारा वॉल्यूम साइड किस हिसाब से चेंज होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने बच्चों ये देखा कि वॉल्यूम साइड स्प्रेडिंग रेट